हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्स एकेडमी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। पिछले टर्म पे हम लोग पढ़े थे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग समझे थे। उसी को आगे हम बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे कि मोशन के टाइप कितने होते हैं। तो मोशन का जो टाइप होता है वो हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग पाथ के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जैसे लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है और लास्ट ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन होता है। ये सब जो है आपका पाथ के बेसिस पे, यानी कि उसका जो मार्ग होता है उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है तो वो मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा, जिसकी हिंदी होती है रेखीय गति। अगर पाथ उसका सर्कुलर हो गया तो ये मोशन आपका कैसा हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा, मतलब उसका पाथ क्या हो गया, सर्किल हो गया, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, यानी कि वृत्तीय गति हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है रोटेटरी मोशन, तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति। ये कब होगा, जब जैसे एक फिक्स एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, तो ये कैसा मोशन हो जाता है, रोटेटरी मोशन हो जाता है। जैसे एक फिक्स एक्सिस को मारकर वो क्या करने लगे, रोटेट करने लगे। लट्टू देखे होंगे आप, तो लट्टू में क्या करता है, एक उसमें एक्सिस जो उसकी पॉइंट होती है मतलब कील होती है वो क्या होता है, एक एक्सिस का काम करने लगता है और जो उसका मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट आपका आता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि दोलन व कंपन गति। इसमें क्या होता है कि जो ये मोशन होता है वो किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग थ्रू एंड फो मोशन होने लगता है, कि इसके इधर और उधर मोशन होने लगता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे पेंडुलम देखे होंगे आप लोग, तो वो क्या होता है, ऐसे एक फिक्स होता है और यहां से इसके अलोंग ऐसे मोशन होने लगता है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो क्या होता है, वो दोलन गति यानी कि ऑसिलेटरी मोशन होता है। और एक और एग्जांपल ले लें, ये जो ब्लेड आता है उसको उसका एक सिरा क्या करिए, उसको पकड़ लीजिए और नेक्स्ट सिरे को क्या करिए, इधर खींच दीजिए। जब खींच के छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसा मोशन होने लगेगा, तो इस टाइप का मोशन क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा, यानी कि कंपन गति कहलाएगा। तो ये हमारे जो है फोर टाइप के मोशन हो गए, ठीक है। अब इसके आगे हमको सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में हमको पढ़ना है लीनियर मोशन और उसके टाइप पढ़ने हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन वगैरह है वो डिराइव हम लोग करेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर मोशन यानी कि रेखीय गति। तो पाथ कैसा होगा, अगर वो पाथ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक किसी स्ट्रेट लाइन पे वो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। अब लीनियर मोशन वो कितने टाइप का होता है, तो वो लीनियर मोशन जो होता है आपका टू टाइप्स का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ये जो होगा टू टाइप्स का हो जाएगा, ये होगा यूनिफॉर्म मोशन और नेक्स्ट आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब समझिए इस चीज को कि यूनिफॉर्म कब कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लिखें, ऐसे हम एक लाइन खींच रहे हैं, यानी कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम मोशन करा रहे हैं, पे क्या करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये क्या है, बी है। ये हम क्या करें कि एक एक घंटे का गैप बना लें, एक घंटे का ये गैप हो गया, एक घंटे का ये मान लेते हैं, ये मतलब ये 1 आवर हो गया, ये भी 1, ये भी क्या हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे P है वो मूव करना स्टार्ट करता है,
ये जो पी का मोशन हो रहा है यहाँ पे भी 5 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर है और यहाँ पे भी 5 किलोमीटर है आपका, यानी कि ये 1 आवर में 5 किलोमीटर, 1 आवर में 5 किलोमीटर और 1 आवर में 5 किलोमीटर। तो ये इस टाइप का जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि इफ ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एक इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या होगा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हम देखें कि ये क्या कर रहा है, जो पी ऑब्जेक्ट है 1 आवर में भी 5 किलोमीटर, 2 आवर में भी 5 किलोमीटर, 3 आवर में भी 5 किलोमीटर चल रहा है, तो ये मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इसके लिए भी हम ऐसा ही लाइन बनाएंगे, स्ट्रीट लाइन ही बनाएंगे और यहां पे भी हम लोग अलग अलग सेक्शन कर लेंगे। ये हो सकता है जैसे इसमें क्या कर रहा है, ये भी 1 आवर का गैप ले ले रहे हैं, ये भी 1 आवर का गैप ले ले रहे हैं, ये भी 1 आवर का गैप, ठीक है। इसमें ये 5 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर, इसमें क्या कर रहा है, इसमें 7 किलोमीटर चल ले रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें मान लेते हैं 17 किलोमीटर चल दे रहा है, ठीक है। तो जब 17 ये क्या कर रहा है, इक्वल टाइम में भी क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल टाइम में क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इस टाइप का मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हो सकता है टाइम भी अनइक्वल हो जाए, यानी कि अगर ये 2 है यहाँ पे 1 आवर ले रहा है, यहाँ 2 आवर में भी ऐसा चलता, 2 आवर में 7 किलोमीटर चलता, तब भी वो क्या होता, अनइक्वल, यानी कि अगर इक्वल में भी अगर वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, अनइक्वल टाइम में भी डिफरेंट डिफरेंट चलेगा तो भी क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हमको लगता है ये क्लियर होगा, डेफिनेशन हम इसका लिख लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यही चीज मैं पीछे समझाया भी कि आपके कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे, जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और उसका एग्जाम्पल भी मैं बताया, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म का देख लें हम लोग, आइए समझिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल और अनइक्वल टाइम इंटरवल। जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूं कि जो होगा ये क्या, इक्वल टाइम रहेगा तब भी जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। जैसे अगर 1 आवर में वो 2 किलोमीटर चल रहा है तो सेकेंड जो आवर होगा वो भी 1 आवर का पीरियड होगा, तो वो क्या होगा कि उसको भी क्या करेगा, उसमें वो अगर वो पहले में 3 चला है तो बाद में कितना चलेगा, 5 चलेगा, यानी कि अनइक्वल चलेगा। तो इस टाइप का मोशन जो लीनियर मोशन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको स्पीड कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आइए अब समझते हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड का हिंदी होता है चाल, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। अब यूनिट टाइम का मतलब क्या है, तो यूनिट टाइम का आपका मतलब है कि हो सकता है वो 1 आवर, 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, तो 1 मिनट में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वो क्या होता है, वो उसका स्पीड होता है आपका। 1 आवर में जितना करेगा वो क्या होगा, वो उसका स्पीड होगा। तो हम उसके केस में देखेंगे कि उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या है, स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड।
स्पीड क्या है, एक तरह का वो पर यूनिट आवर मतलब पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उसका क्या होता है, स्पीड होता है। पर यूनिट टाइम में मैं बताया कि ये आवर हो सकता है, सेकंड होता है, मिनट हो सकता है। तो इस तरह की पर यूनिट टाइम मतलब सिंगल आवर में, तो ये क्या हो गया आपका, स्पीड हो गया। अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि ये हो गई आपकी डेफिनेशन, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया स्पीड। इसके बाद हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, और एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट हम बात करें यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट स्पीड। यानी कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल में उसकी क्या हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा, यानी कि वो इक्वल रख रहा है उस सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो वो जो स्पीड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा या कॉन्स्टेंट स्पीड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड में क्या होगा आपका, कि वो मोशन में जो भी मोशन कर रहा है उसका क्या होगा, स्पीड एक सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या होता है, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। तो उस टाइप का जो मोशन मतलब जो होगी मोशन, उसमें उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी आपकी, आपकी स्पीड हो जाएगी वेरिएबल स्पीड। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है मीन, और स्पीड तो आप हम बताए नहीं कि स्पीड क्या है, तो ये क्या है, एक टोटल टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जितना टाइम वो लेता है उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो एवरेज स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो उसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो आज हम लोग स्पीड का कॉन्सेप्ट जाने, उससे पहले टाइप ऑफ मोशन जाने। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हम लोगों के साथ, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ड्राइविंग चैम्स एकेडमी पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।